हल्द्वानी में लोगों की जेब से पर्स उड़ाने वाले चार पॉकेट मारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते रोज शहर के आदर्श नगर तल्ली बमोरी निवासी मुकेश कुमार सक्सेना की जेब पर पॉकेट मार ने कल्लू सिद्ध बाबा के मंदिर के पास से हाथ साफ कर दिया था। वहीं पुलिस ने जांच करते हुए FTI बाईपास के पास से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस को चोरी किए गए पर्स में रखी 8000 की रकम सहित आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इससे पहले वो मेरठ और मुजफ्फरनगर के आसपास बसों में और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पॉकेटमारी की घटनाओं को अंजाम देते आए हैं, लेकिन जब वहां की पुलिस को उनके कारनामों का पता चल गया तो उन्होंने उत्तराखंड को अपने धंधे का नया अड्डा बना लिया। आरोपियों ने बताया कि वो घटना को अंजाम देने से पहले रुद्रपुर आदि क्षेत्रों में रुकते हैं और फिर वहां से पहाड़ों को आने वाली बसों में यात्री बनकर यात्रा करते हैं। इसके बाद बस में किसी यात्री को चिन्हित कर लेते हैं और जैसे ही वो यात्री बस से उतरने लगता है तो चारों उसके पीछे खड़े होकर उसको उलझा देते हैं। इस दौरान गिरोह का मुखिया अरशद यात्री की जेब से पर्स पार कर लेता है, उसके बाद इन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। वही गिरोह के आने जाने का खर्चा अरशद ही उठाता है। आपको बता दें कि इनमें से तीन आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी फैजल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। देखिए, आने वाले सबसे पहले ये कि आने वाले 2-3 दिनों में और काफ़ी सारे खुलासे होंगे। जिनको हमने पकड़ा है, ये एक इंटरस्टेट हमारा पॉकेट मारी का गैंग है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि इसमें दो लोग आगे से कवर करते हैं, जो टारगेट है उसको एक पीछे से रहता है, और जो एक व्यक्ति है वो इनकी पॉकेट में सेंध लगाता है। इसमें चारों आरोपी जो हैं उसमें से दो लोग मवाना के रहने वाले हैं, एक मेरठ का है, एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इससे पहले भी ये मुजफ्फरनगर मेरठ ऐसी जगहों पे पहले भी कई सारी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास ICJS पोर्टल, जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पोर्टल है, उसके माध्यम से भी चेक कराया जा रहा है, अन्य माध्यमों से भी चेक करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो अक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने लगभग 10:30 के आसपास हमारे पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है जो मुरादाबाद से हल्द्वानी के लिए आए थे, कालू साई मंदिर के पास उनकी पॉकेट मार ली थी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने, जो हमारी पुलिस टीम है, इसमें दिनेश जोशी हैं और मंगल पड़ाव चौकी की टीम है, इन्होंने कुछ ही घंटों में इस केस को वर्कआउट किया है।